सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। नवासी नंबर का श्लोक था 89। अपेक्षते व्यवहृते न प्रपंचस्य वस्तुतां नाप्यात्मजाड्यं किं त्वेषां साधनान्येव कांक्षति। तत्त्वविद् 27वें श्लोक 87 में था। तत्त्वविद् तु अविरोधत्वात् लौकिकं सम्यक् आचरित। वहाँ से इस प्रसंग को ले आओ। जो तत्त्ववेत्ता हैं, जिन्होंने सत्संग सुना, साधना किया, साधना करके उन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव प्राप्त किया, तो उन्होंने जो दो मिली हुई चीज़ें थे दोनों को अलग अलग कर लिया। कौन सा? जड़ और चेतन। विवेक का मतलब यही है कि दोनों को हम अलग अलग करके समझ लें। शरीर और अपना आत्मस्वरूप, दोनों को उन्होंने अलग अलग कर लिया। और अपने आत्मस्वरूप में ध्यान एक निष्ठा, उसी में स्थित हो गए। जब अपने आत्मस्वरूप में बिल्कुल स्थित हो गए, तो सारा जगत जितना कुछ भी है उनको स्वप्न जगत के जैसे दिखाई पड़ने लगता है। मायामयी इंद्रजाल के जैसे दिखाई पड़ने लगता है। अब जब ये सारा जगत मायामयी दिखाई पड़ने लगा इंद्रजाल के जैसे, तो इस सारे जगत के अंदर ही एक हिस्सा है हमारा शरीर भी, पांच महाभूतों का। ये जो पांच महाभूतों का बना हुआ हमारा देह है, वो इस जगत से अलग थोड़े है, वो इस जगत का हिस्सा है। तो उन्होंने जैसे जगत को समझा, वैसे इस देह को समझ लिया कि ये शरीर और ये जगत एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये शरीर इस जगत में व्यवहार करता रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ। अपने आत्मस्वरूप में अपने भाव में निष्ठ रहते हैं। दृष्टांत दे करके, एक स्त्री का दृष्टांत दे करके सिद्ध किया इस बात को। दोनों को अलग अलग करके समझना, वो यही बंधन भी है, बंधन भी यही है। कर्ता कोई और है, हम मान बैठते हैं कि कोई और करने वाला है। भोक्ता कोई और है, हम मान बैठते हैं कि कोई और भोक्ता है, ना समझी के कारण, अज्ञान के कारण। अब देखो, फिर इसी श्लोक में कह रहे हैं, अपेक्षते व्यवहृति, व्यवहृति माने व्यवहार।
व्यवहार करने के लिए, व्यवहार करने के लिए प्रपंचस्य अपेक्षते। व्यवहार कहाँ करोगे आप? इस पांच महाभूतों के संसार में। प्रपंच माने पांच महाभूतों का जोड़ा, पांच पांच चीजें जहां जुड़ गई उसी को हम कहते हैं प्रपंच। पांच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांच ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, ग्रहण। पांच कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थान। पांच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। पांच उपप्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये जो पांच पांच का समूह है इसी को हम कहते हैं प्रपंच। प्रपंच का मतलब लगाई बुझाई वाला नहीं, प्रपंच का मतलब ये पांच पांच का जोड़ा इस जगत में है और इसी पांच पांच के भीतर जो हम व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारा नेत्र भी इन्हीं पांच महाभूतों से बना है और रूप रंग भी पांचों महाभूत से बना है। तो अपेक्षते व्यवहारति, व्यवहार के लिए प्रपंच की अपेक्षा होगी, लेकिन ये प्रपंच सत्य होवे वस्तुतां इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि झूठी चीज में भी व्यवहार होता है ना, झूठी चीज में भी व्यवहार होता है। झूठी चीज में व्यवहार कैसे होगा? बोले झूठा होगा। अब दृष्टांत हमको वही अच्छा लगता है, दो बच्चे खेल रहे हैं, छोटे भाई बहन है, खेल रहे हैं। वो बहन ने रोटी बनाई, रोटी वहां पर नहीं है, वास्तव में रोटी नहीं है, है क्या? तो चूल्हा भी रखा, रोटी भी बनाया, दाल सब्जी भी बनाया बहन ने। भाई को कहती है खा ले, अब भाई खाएगा कि नहीं खाएगा? अब भाई अगर कह दे कि यहाँ रोटी कहाँ है तो फिर खेल नहीं रहा हो, फिर झूठी चीज में झूठा व्यवहार। भाई खाएगा भी और वैसे बोलेगा बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनाया है। हुआ क्या? ये खेल रहे हैं, आप कहोगे बच्चे खेल रहे हैं, इसी का नाम है लीला। हाँ, स्वप्न जगत में अगर आपको प्यास लगी, सपने में प्यास लगी, कहाँ का पानी बुझावेगा? हाँ, आपको सपने में प्यास लगी है, हम यहाँ से बाल्टी भर के आपको पिलावें, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली। सपने की प्यास स्वप्न जगत के पानी से बुझ जाती। अब सपना झूठा है, वहाँ की प्यास भी झूठी और वहाँ का पानी भी झूठा, लेकिन व्यवहार तो वहाँ पर हो गया ना, व्यवहार हो गया। तो व्यवहार के लिए किसी चीज का सत्य होना जरूरी नहीं। हाँ, अभी 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 थोड़े दिन पहले सूचना मिली थी कि जब इंडिया हार गया तो एकाध जो है हार्ट अटैक से मर गया। अभी अभी पेपर में आया था, भारत हार गया, सेमीफाइनल में हारा था ना, नहीं पता सबको? क्रिकेट के प्रेमी नहीं हो क्या? सेमीफाइनल में हारा था ना, तो एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया। क्यों मर गया? क्यों मर गया? अरे वो जो हार गया उसको भी रुपया मिलेगा, चेक। हारने वाले को भी रुपया मिलता है, जीतने वाले को भी रुपया मिला, वो खेल रहे हैं ना। वहां पर बाउंड्री वाल सत्य है, ना वहां पर चौका छक्का सत्य है, क्या है? सब सम्मान्यता है, मान्यताओं का खेल है, और उस मान्यता को जीव सत्य समझ करके बंधन में आ जाता है। एज अ क्रीड़ा समझो ना, खेल है सारी सृष्टि। यहाँ सत्य होने के लिए जरूरी नहीं है कि सब सत्य ही होना चाहिए तभी हमारा व्यवहार होगा। बहुत बार झूठी चीज में भी खूब बढ़िया तरीके से व्यवहार होता है। रंगमंच पे नौटंकी देखने गए, वहाँ विश्वामित्र भी बना है, हरिश्चंद्र भी बने हैं, रोहित भी बना है, सेव्या भी बन रहे हैं, वो रो भी रहे हैं। आपने रामायण देखा ना टीवी में, सीरियल में, सबने देखा है ना? हमारे यहीं तेलीबाग में एक भगत थे, वो जब टीवी आता था तो हम भी उनके यहाँ जाते देखने।
कभी कभी। तो वो टीवी के आगे जो माता जी थी, वो अखिलेश की अम्मा जी, वो उसके अगरबत्ती और धूपबत्ती उसको रखती थी, भगवान राम आवेंगे, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। हाँ, वो राम सही कि झूठे? हाँ, ट्रेन खड़ी हो जाती थी, सारे लोग इकट्ठे होके देखते थे, लेकिन वो सही कि झूठा? है ना, लेकिन झूठी चीज में भी हमारा व्यवहार हो जाता है। तो इस जगत में व्यवहार होने के लिए सत्य होना जरूरी नहीं। ये प्रसंग आगे बहुत ज़्यादा आएगा, अभी बहुत खूब लंबा चलेगा। तो जो तत्ववेत्ता हैं, जो ज्ञानी हो गए, उन्होंने समझ लिया, हाँ बिल्कुल समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, अलग शरीर, अलग दोनों अलग है। जगत बिल्कुल पांच महाभूतों का बना है, तो शरीर इस जगत में व्यवहार करता है। उन्होंने देखो भाई, एक बात है, जब व्यवहार करोगे तो उसका रंग तो लगेगा ना। तो जड़ वस्तु में व्यवहार करोगे तो तुम भी जड़ हो जाओगे। अभी अभी भी बोला था, जिसके साथ रहोगे उसका प्रभाव पड़ता है। तो जड़ वस्तु के साथ आप मिट्टी आदि में, इंद्रिय आदि के साथ जड़ वस्तु में, प्रकृति में व्यवहार करोगे तो आप भी जड़ हो जाओगे? बोले नहीं, मैं वो अधिष्ठान हूँ जिस पर चाहे जितना व्यवहार होवे, मेरी आत्मा कभी जड़त्व को प्राप्त नहीं। ना अपि आत्मजाड्यम की, मेरी आत्मा की जड़ता हो जाना कोई संभव नहीं है। हाँ, मेरा अपना आत्मस्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है, शरीर व्यवहार करता रहता है। साधनानि एव कांक्षति, भैया इस व्यवहार के लिए तो कुछ साधनों की जरूरत होती है, आत्मज्ञान के लिए कोई साधना की, वो साधन की जरूरत नहीं होती, केवल ब्रह्माकार वृत्ति सत्संग की जरूरत होती है। व्यवहार करने के लिए आप घर से आए तो आपको मोटर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको पांव चाहिए चल के आने के लिए, तो व्यवहार के लिए आपको साधनों की जरूरत पड़ती है। आत्मज्ञान के लिए बाहर के साधन की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मज्ञान के लिए तो केवल बुद्धि का चिंतन सत्संग, बुद्धि का चिंतन विचार और ब्रह्माकार वृत्ति, बस। अगला श्लोक देखते हैं, कौन सा साधन की जरूरत पड़ती, अगले श्लोक में साधन की बताया। मनोवाक्काय तद्बाह्य पदार्था साधनानितान तत्वित तत्विन्नोपमृदनाति व्यवहनोस्य नो कुतः। मनो वाक काय, बाहर के जगत में व्यवहार करने के लिए आपको मन चाहिए, वाणी चाहिए, शरीर चाहिए, ठीक है। अब शरीर है तो पांव है, तो पांव चलेगा तो क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ते पर पांव चलेगा। हाथ है, अगर उसको कुछ पकड़ना है तो कोई वस्तु चाहिए तब उसको पकड़ेगा, गिलास चाहिए, कटोरी चाहिए। तो ये व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक जगत में हमको ये साधन भी चाहिए और इस साधन का उपयोग कहाँ करें वो भी चाहिए। हमारे पास हल बैल भी हों में तो हल बैल बांध के क्या करोगे, बोले खेती करें, खेत कितना है ही नहीं तो क्या करोगे, तो खेत भी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आपके पास में मोटरसाइकिल है तो चलाने के लिए रास्ता भी तो ठीक। हाँ, समस्या तो तब है जब शौक में खरीद तो ले गाड़ी और चलाने का ठीक से अकल ना हो। हाँ, चलाने का अकल ना हो। हाँ, आप कहाँ चलावें, भले खरीद लिया उसके बाद एक ही दो दिन चलाया, हाथ पांव टूट गया, अब मुश्किल से हाथ पांव टूट गया, अब उस साधन को क्या करें, अब जाना हो तो किससे, बोले ऑटो कर लेंगे किराए पर, तो ये अकल पहले ही आ जाती। तो अब साधन अगर आपने खरीदा कोई, तो साधन को कहीं चलाओगे तो ना, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो क्या काम। अगर आपने इसको रखा है और उपयोग करते नहीं तो रखा क्यों है, जगह क्यों घेर रहा है,
बोले अब करें क्या, कहाँ फेंकें कहाँ फेंकें। आप लोगों के घरों में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसका उपयोग, हाँ बहुत सा, आप रसोई में मुझको घुसा दो 50 सामान ना निकाल दूँ। दवाइयाँ रखी होंगी जिसका कभी कभी बीमार होंगे तो दवाई खाएंगे। मतलब अगर दवाई रखे हो तो इसका मतलब कि अब उसके लिए क्या होगा, बीमार हो, यही तो है ना। कभी काम आएगी, अरे मूर्खो ये बात वज्र मूर्खता की है, कभी काम है। तो अगर आपके पास कोई साधन है तो साधन का उपयोग करने की चीज चाहिए ना कहीं पर। तो ये दोनों व्यवहारिक जगत में इसकी जरूरत है, साधन और साधन का उपयोग, साधन और साधन का विषय। मेरे पास मन है, मेरे पास वाणी है, मेरे पास शरीर है, तो इसका उपयोग करने के लिए बाहर की जगह पे कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन तत्वित देखो, मनो वाक काय तत्, मन वाणी और शरीर से बाह्य पदार्थ, बाहर के जो पदार्थ हैं, विषय हैं, उनके लिए ये साधन की जरूरत है। सामने वाले को समझाना है तो वाणी की जरूरत है, अमुक जगह पे जाना है तो पांव की जरूरत है, काम करना है तो हाथ की जरूरत है, सत्संग सुनना है तो कान की जरूरत है, ठीक है ना, विचार करना है तो मन की जरूरत है। तो साधना नितन ये कौन है, साधन है। तो बाहर के पांचों विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि को प्राप्त करना है तो हमको साधन की जरूरत पड़ती। हम ये विषय प्लस साधन दोनों को एक कोट में डाल दिए, किस में, माया जाल प्रपंच। हाँ इसके पहले जो पढ़ा था कल, ये दोनों, ये जगत और जगत को अनुभव कराने वाला कौन, ये साधन, ये दोनों एक कोट में चला गया प्रकृति में, पांच महाभूतों के अंतर्गत, और मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं। ये सारा का सारा प्रपंच मायामयी है। तो फिर जो तत्व को समझ गया कि मैं आत्मा हूं, ना उपमर्दनाती, इसको मिटाना भी नहीं चाहता, उसको उपमर्दन माने, उपमर्दन शब्द बार बार आ गया, उपमर्दन माने रगड़ देना, मिटा देना, नाश कर देना। तो तत्व बेता ये नहीं कहता कि मुझको दिखाओ मत, दिखाओ मत, दिखाओ मत, सुनाओ मत, सुनाओ मत, नहीं, वो कहता साहब लीला है, देखो मौज करो। हाँ राम जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं ना, हाँ हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, राम जी रो रहे हैं, ठीक है। तो राम जी को देखने वाले बंदर भालू भी हैं, राम जी को देखने वाले रोते हुए कोलभील भी हैं वहां पर, राम जी को देखने वाले देवता भी हैं, और राम जी को रोता हुआ देखने वाले संत जन भी हैं। सबकी समझ एक हुई क्या, सबकी समझ एक हुई, अगस्त ऋषि भी हैं, अगस्त ऋषि भी मिलते हैं, हाँ दूसरे संत भी मिलते हैं, हाँ देवता लोग देवर्षि आदि भी देखते हैं, साहब सबकी समझ अलग अलग होती है। तो सारा ये व्यवहार लीलामय चल रहा है, वो ज्ञानी इसको मिटाना भी नहीं चाहता, और ज्ञानी अगर मिटाना चाहे तो उसको सत्य मानेगा तभी तो ना, ये रुमाल है, ये रुमाल है तो मैं चाहूंगा कि मिट जावे, हमने इसको झूठा समझ लिया तो चाहे रहे और चाहे ना रहे। हाँ तत्वेत ना उपमर्द ना, तत्वेत्ता इसको मिटाने की भी इच्छा नहीं करता। व्यवहनो अस्य नो कुतः, तो व्यवहार होता रहे उसमें कौन सा फर्क पड़ता है, आंख ने देखा, रूप रंग देखा, ज्ञानी समझता है मैं ये जो विषय दिखाई पड़ा रंग, जिसने देखा आंख, इन दोनों का मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होता। भाई पंचदशी है, थोड़ा बुद्धि को खोल के बैठना। हाँ ये आपका भारतीय दर्शन है, इस चिंतन के कारण भारत जगत गुरु है। हाँ अन्यथा जैसे तुम्हारे यहाँ मंदिर देवता हैं, वैसे उनके यहाँ भी चर्च गिरजाघर आदि हैं, जैसे आपके कर्मकांड हैं उनके भी कर्मकांड अपनी तरह के हैं, कर्मकांड उनका भी ये अपनी तरह का है। हाँ उसके कारण जगत गुरु आप नहीं हो, 10 ठो स्टोरी आप बना लो,
भागवत पुराण का, विष्णु पुराण का, और आप कहो कि हमारी इस स्टोरी के कारण भारत जगत गुरु है, तो उस स्टोरी के कारण नहीं है। हाँ, उनके यहाँ भी बहुत तरह की कहानियाँ हैं। महात्मा बुद्ध के 27 जन्म का वर्णन है, तुम्हारे यहाँ तो 24 ही है। तुम्हारे यहाँ तो भगवान के कितने अवतार? 24। महात्मा बुद्ध के 27 जन्मों का वर्णन आता है। तो ऐसा मत समझना कि नहीं है। अन्यत्र सब धर्मों में कर्म कांड व्यवहार सब है। अगर भारत हमारा जगत गुरु है तो इस साक्षी के ज्ञान के कारण, इस ब्रह्म विद्या के कारण, और इसी से समाज हमारा वंचित है। व्यवहार होने दो, शरीर व्यवहार कर रहा है, हम तो साक्षी हैं। तत्ववेत्ता ना मिटाना चाहता है, ना पकड़ना चाहता है, ना त्याग, ना ग्रहो, ना लया। अष्टावक्र का स्वभाव उपदेश है, ना त्याग, ना तो हम इसको त्यागना चाहते हैं, ना इसको पकड़ना चाहते हैं, हम तो अपनी महिमा में हैं। कोई आया, ये चढ़ा गया, बहुत बढ़िया, चढ़ा गया, देख लिया। कोई आया, इसको उठा लिया, ठीक है। ना मेरा कोई लाभ है और ना मेरा कोई हानि है। जागे हानि ना लाभ कछु, अपने स्वरूप में है तत्व। इसलिए तत्ववेत्ता मिटाना उठाना नहीं चाहता। तत्ववेत्ता ही नहीं कहेगा पैसा नहीं छूता, हटाओ 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 हटाओ। मतलब पैसे में सत्यत्व बुद्धि है, तभी तो कह रहे हो ना हटाओ। पैसा ले आओ ले आओ ले आओ, रुपया ले आओ, तो एक पकड़ना चाह रहा है और एक, ये दोनों व्यवहारिक जगत में फंस रहे हैं। तत्ववेत्ता की दृष्टि उसके प्रति बिल्कुल ही दृष्टि है। छोटा बच्चा हरिद्वार पहुंच जावे, ये कई बार देखा गया। छोटा बच्चा हरिद्वार पहुंच गया, माँ के साथ दादी के साथ गंगा जी किनारे गया, छोटे छोटे पत्थर, इतने चिकने चिकने पत्थर, छोटे छोटे शंकर जी, छोटे छोटे शंकर जी, वो जेब में भर लेगा, पूरा का पूरा जेब भर लिया। हाँ, चल पड़ता है। उसके लिए वो पत्थर जीने मरने का सवाल है छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे से वो पत्थर निकालना चाहो जेब से, माताओं को अनुभव होगा, कोई कंचा आदि। हाँ, बाबा रामदेव जी ने एक बार चैलेंज किया, कुश्ती में मुझको हरा दो, और पहलवान आया, फिर बाबा रामदेव ने पटक दिया उसको, बड़े पहलवान को। सुना है ना, देखा ना टीवी में? हाँ, नहीं देखा? पटक दिया था रामदेव जी ने मंच पर ही, बड़े पहलवान को। तो आप बड़े हो कि नहीं, बड़े हो कि छोटे? बड़े हो गए, बड़े हो गए। तो सारे जगत में जो गुड्डे गुड़िया का खेल है, काहे शादी में और क्या हो रहा है? छोटा बच्चा है वो गुड्डे गुड़िया की शादी रचाता है, आप लोग नाती पोते की शादी रचा करके नाच रहे हो, गा रहे हो, वो सब बच्चे ही। हाँ, क्या समझ रहे हो? वहां एक गुड्डा एक गुड़िया सजाया, माला डा, क्या खेत, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले आप भी ज्यादा बच्चे से बड़े नहीं हो। मैं कह रहा हूं, बच्चा गुड्डा गुड़िया की शादी रचाता है, वहां बारात आती है, मगाड़े बजते हैं, आप लोग अपना जो है बेटा बहू पोता नाती, फर्क क्या है? हाँ, अगर उसी में रस आ रहा है तो समझना आप भी बाल बुद्धि वाले हो। हाँ, बहुत चाइल्डिश हो, सब उसी श्रेणी में हो। तो ना उपमर्दे तत्ववेत्ता ना किसी को मिटाना चाहता है, ना किसी को पकड़ना चाहता, ठीक है, जो है जो है। नहीं, बच्चे हो, खेल रहे हो, खेलो, जाओ खेलो, हमको क्या करना, खेल। उसके प्रति जीवन मरण का सवाल नहीं होता। हमसे किसी बच्चे ने कहा, स्वामी जी हमको लड़की पसंद है, मेरे मम्मी पापा को मना दो। हमने कहा, जी जा ठीक है, शादी कर ले, हम कौन सा मना करते हैं। हाँ, हमने कभी किसी को मना नहीं किया अभी तक, शायद जो जिसने भी हमको पकड़ा। अब यहाँ कोई बच्चा तो नहीं बैठा ना, नहीं तो तरीका अपना हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की लड़का दोनों की कोई भी दल का हो, अगर उसने समझा कि मेरे मम्मी पापा गुरु जी का कहना मानते हैं, स्वामी जी का कहना मानते हैं, हाँ, और तो फिर जाओ ठीक है, खेलो, हमको कौन सा मना है। थोड़ा समझा देते हैं कभी कभी, समझा देते हैं, और ना माने तो क्या करोगे। तो
सब खेल है, क्रीडा है। इसके प्रति बहुत सत्य तो बुद्धि नहीं रह जाती। चलो अगला श्लोक। उपमृदनाति चित्तम चेत् ध्याता सौ न तु तत्त्ववेत् न बुद्धिमर्दयन् दृष्टो घट तत्त्वस्य वेदिता सकृत् प्रत्यय मात्रेण घटश्चेद् भासते सदा स्वप्रकाशोऽयम् आत्मा किं घट्वच्च न भासते। देखो थोड़ा सा कुछ तार्किक है यहाँ पे, थोड़ा दिमाग को खोल करके समझ। उपमृदनाति चित्तम चेत, अगर कोई ऐसा है जो कहता है उपमृदनाति, अपने इस चित्त को मन को मिटाना चाहता है, चेत माने यति, चित्तम माने चित्त को, अगर कोई ऐसा है जो कहता है मन में विचार ही क्यों आता है। अभी तो बाहर की बात थी, अभी तक बाहर की बात थी, बाहर के पांच विषय और देह आदि की, अब भीतर आओ मन पर। कह रहे हैं कि ये जो मन है, इस मन में बाहर के विषयों का चिंतन चलता ही क्यों है, हम अपनी इस चित्त को शांत कर देंगे, चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध कर देंगे। अगर ऐसा चाहता है तो ध्याता असौ, तो ऐसा साधक उपासक है, ध्यान कर रहा है, न तत्व भी वो ज्ञानी नहीं है अभी, क्योंकि चाह रहा है ना, क्या चाह रहा है कि मेरे चित्त में कोई विचार न चले। तो वो कौन है? बोले ध्यान करने वाला है, अभी वो तत्व ज्ञानी ही नहीं। उपमृदनाति चेत्तम चेत् ध्याता असौ न तु तत्त्वविद्, तो ध्यान कर रहा है ध्यान। अब योग दर्शन में याद आया होगा, कभी पढ़ा होगा, तो योग दर्शन में आठ है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो ध्यान सातवीं सीढ़ी है ना, इसका मतलब अभी साधना करना बाकी है, तो अभी तो पहुंचा नहीं, क्योंकि समाधि तो अभी ही आगे की बात है। तो ध्यान कर रहा है यानी प्रयास कर रहा है, साधना कर रहा है, अभी वो तत्ववेत्ता नहीं, अभी तत्व ज्ञानी नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञानी तो कुछ चाहते ही नहीं, मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। अगर चित्त को आप शांत करना चाहते हो, चित्त की वृत्ति को रोकना चाहते हो, तो आप ध्यानी हो, उपासक हो, भक्त हो, अभी ब्रह्म तत्व का अनुभव हो नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्म तत्व कैसा, वो साक्षी है। कह रहे हैं देखो, हाँ, ना बुद्धि मर्दयन दृष्टो, ना बुद्धि मर्दयन दृष्टो, घट तत्व से वेदिता, ये दृष्टांत है, घट तत्व से वेदिता, सामने घड़ा रखा है, सामने घड़ा रखा है, घड़े को मैंने देख लिया, तो हम क्या हो गए, घट का ज्ञाता हो गए, घट तत्व से वेदिता, घड़ा है, प्रकाश ठीक ठाक आया, मेरी नजर ठीक थी, मैंने घड़े को देख लिया। हमने क्या कहा, अयम घटा, ये क्या है, घड़ा, ये गिलास है, दिखाई पड़ गया। अब अगर ये बात हमको समझ में आ गई कि गिलास है, ये घट है, तो क्या ये जो बुद्धि में आ रहा है कि ये घड़ा है, उस बुद्धि के विचार को आप मारना चाहोगे क्या? ना बुद्धि मर्दयन दृष्टो, अरे ठीक है, वस्तु है, उस वस्तु को मैंने जान लिया। अब हम बुद्धि के भीतर ये जो वृत्ति आई कि मैंने घट को जान लिया, ये घड़ा है, ये गिलास है, ये भगत है, ये जो जान लिया बुद्धि के भीतर जो वृत्ति आ रही, मैंने जाना, और उस बुद्धि की वृत्ति को मारना चाहोगे क्या? हाँ, ये बाल हैं, ये हाथ हैं, हाँ, ये हमारा पांव है, ये माइक है, जान लिया। अब इसकी जो जानने की वृत्ति हो रही कि मैंने जाना माइक है, आप क्या कहोगे, ये बुद्धि का जानना मिट जावे क्या?
तो जब यहां पर नहीं चाहते हो तो ऐसे तो आत्मा पिए, तो आत्मा को जान लिया, फिर जान लिया, जब अनुभव कर लिया तो फिर मिटाने की जो है नासमझी की बात है। हाँ, अच्छा कितनी बार जानोगे तो घड़ा जानोगे, कितनी बार? एक कटोरी है, कितनी बार समझाया जावे तो आप जानोगे कि कटोरी है? कितनी बार? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार, कितनी बार? हाँ, एक बार। तो वैसे तो आत्मा भी है, एक बार अगर जान लिया तो फिर बार बार कहने की क्या जरूरत बताने की? हाँ, और अगर फिर से बताना पड़ रहा है, फिर से बताना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी ही सकृत प्रत्यय मात्रेण। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना, सकृत माने घट बुद्धि। हाँ, सकृत का अर्थ ले आओ घट बुद्धि। हाँ, थोड़ा सा ये प्रसंग थोड़ा सा हाँ शास्त्रीय हो रहा है। घट बुद्धि, मैंने जाना कि ये चीज घड़ा है। सकृत प्रत्यय माने विचार। हाँ, जब एक वृत्ति आपके भीतर आ गई, मैंने जान लिया, सकृत प्रत्यय माने घट बुद्धि भीतर आ गई, तो घट बुद्धि के द्वारा ही हमको पता लग गया कि ये घड़ा है। अब उस तरीके के जहाँ जहाँ कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी, हमारी बुद्धि क्या कहेगी? ये घटा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है। हाँ, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये सजाया है, ये बिना सजाया है, लेकिन घट बुद्धि हमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है। जब एक बार घड़े को हमने जान लिया, एक बार घड़े को जान लिया, तो निरंतर वो घट बुद्धि हमारी बनी रहती है। उससे फिर हमारा ना कोई हानि है और ना कोई, घट बुद्धि बनी है। कितने सारे ज्ञान आपकी बुद्धि में है? कितने सारे ज्ञान है? हाँ, अरे एक किस चीज का पत्ता है? बोले आंवला का। एक किस चीज का पत्ता है? बोले बेल का। एक किस चीज का, कितनी चीजों का ज्ञान होगा आपकी बुद्धि में? हिसाब लगा के बताना कितनी चीजों का। हाँ, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, खाने पीने की सामग्री में, पढ़ाई लिखाई में, देश विदेश में, अमुक अमुक चीज में, कितनी चीज़ों का ज्ञान है आपके भीतर? अभी इस समय उपलब्ध नहीं हो रहा है वो, लेकिन जैसे वो वस्तु आ जाएगी तो आप कहोगे इस चीज़ को मैं जानता हूँ, ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक वस्तु है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो हमारी बुद्धि के भीतर जो ज्ञान है उससे क्या हन पड़ा रहे? हमने जान लिया कि ये चीज़ ऐसा है, अमुक चीज़ ऐसी है। हाँ, ये पीतल है, तांबा है, लोहा है, जान लिया। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक दो नहीं, मैं कह रहा हूँ लाखों करोड़ों चीज़ें हैं जिसको आपकी बुद्धि जानती है। हाँ, अब इस समय याद नहीं आवेगा, वस्तु सामने आएगी तो आपको आ जाए, हाँ ये मैं पहचानता हूँ, ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये चीज़ मैं जानता हूँ। जब नहीं जानोगे कोई चीज़ और अनजान वस्तु सामने आ जाएगी तो कहोगे ये कैसे बनाया, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से चीज़ आई? अब समझना, अब आप जिज्ञासु हो जाओगे, अब आप जिज्ञासु। लेकिन बुद्धि के भीतर जितने प्रत्यय हैं, अब वो जो बुद्धि के भीतर वृत्ति है कि इस तरीके से गोल गोल होता है, उसका गर्दन बनी होती है, तो उसका नाम घट है। तो जहाँ जहाँ वैसा दिखाई पड़ेगा, घटश्चेद भासते, तो सब जगह पर घट हम पहचान लेंगे, चाहे उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, यही तो ना। कहीं घड़े में टोटी लगी होगी, हम कहेंगे ये भी घट है, कहीं टोटी नहीं लगी है, हम कहेंगे ये भी घट। याद है ना, समझ में आना चाहिए। तो जब घट बुद्धि हो गई तो उससे घट दिखाई पड़। ऐसे एक बार अगर तुमने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, हाँ अपना आत्मा स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, घड़े में तो एक समस्या है। घड़े को जानना हो, इस कटोरी को जानना हो, तो इसके लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए, वो भी ठीक ठीक प्रकाश चाहिए। कल भी हमने कहा था, बहुत प्रकाश हो, अति प्रकाश में नहीं ज्ञान होगा, बहुत कम प्रकाश में भी इसका ज्ञान नहीं, ठीक है ना, प्रकाश चाहिए। फिर हमारा नेत्र भी ठीक ठीक होवे, मोतियाबिंद ना होवे, रतौंधी ना होवे। एक रोग होता है रतौंधी, सुना कि नहीं किसी ने? अब सुना ही नहीं पड़ता, गांव में बहुत होता था पहले। हाँ, गांव में बहुत होता था,
अब तो हम बहुत कम सुनाई पड़ता, मतलब दिन में ठीक दिखाई पड़ता है, रात में उसको दिखाई नहीं पड़ता। कोई शरीर के तत्व में खाने पीने की कमी से, कुछ तत्वों में कमी से वो होता है। तो शहर में तो वो नहीं सुनाई पड़ता, गांव में अभी भी होता होगा। तो हमारा आँख जो है निर्दोष है, हम देखना चाहते तो देखे। तो ये वस्तु जो है ये परप्रकाश है, इसको कहते हैं परप्रकाश। इसको कोई प्रकाश की जरूरत है तब हमको कटोरी दिखाई पड़ेगी, घड़ा। लेकिन अपना आपा, अपना आपा, उसको किस प्रकाश की जरूरत है? जो मैं हूं, मैं एक बोध का, मैं उस मैं को आंख की जरूरत है देखने के लिए। आंख से देखोगे मैं को? उस मैं को सूर्य की रोशनी की जरूरत है? उस मैं को तारा आदि की रोशनी की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? तो स्वयं प्रकाश। घट, जब घट चीज में, बाहर की चीज में एक बार ज्ञान हो जाता है तो घट बुद्धि का बाद नहीं होता। वो वस्तु जड़ है, बाहर जगत में है, और ये अहम तो अपने भीतर अपना स्वरूप है, अहम अपना स्वरूप है और जड़ नहीं है, स्वयं प्रकाश है। मैं अपने मैं को जानने के लिए किसी के रोशनी की जरूरत नहीं, किसी के उपदेश की भी जरूरत नहीं। मैं हूँ जानता हूँ, इसके लिए क्या जरूरत? तो ये अपने अहम का, आत्मा का जब ज्ञान हुआ तो महाराज हमेशा ही बना रहता है, इसमें कोई भेद नहीं। घटवत च न भासते, हाँ, अरे जब अपना आत्मा स्वयं प्रकाश, जब बाहर की चीज घट, यहाँ जहाँ जो है यहाँ अपेक्षात्मक सिद्धांत है, इसको कहते हैं आक्षेप संगति। जब बाहर की एक जड़ वस्तु उसको जान लिया तो हमेशा बुद्धि में बना रहता है। तो एक बार जो स्वयं प्रकाश अपना आत्मा है उसको जान लिया तो ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ये फिर हमेशा ही क्यों नहीं बना रहेगा? हाँ, अपने अहम का आप बोलते नहीं हमेशा कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, पुनरावृत्ति नहीं करते हो। कितनी कितनी बार याद किया सवेरे से कि मेरा नाम अभयानंद है? कितनी बार याद किया हो सवेरे से मेरा नाम ये है? याद किया हो? हाँ, कितनी बार बुद्धि में कितनी बार विचार आया कि मेरा नाम अभयानंद है, मैं मनुष्य हूँ? हाँ, आप गधा नहीं हो, क्या हो? मैं मनुष्य हूँ, कितनी बार याद किए हो? हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य। एक बार पक्का हो गया कि मैं मनुष्य हूँ तो बार बार उसकी आवृत्ति नहीं करते हैं, लेकिन उसका भाव हमेशा इतर बना रहता है। देखो अगला श्लोक बढ़िया है। स्वप्रकाशतया किंते तद्बुद्धिस्तत्त्वभेदनम् बोधेश्चक्षण नाशेति चोद्यं तुल्यं घटादिशो घटादौ निश्चिते बुद्धि नश्यत्येव यदा घटः इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत् सममात्मनि। देखो कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ पर कई इसको, इसका नाम देते हैं आक्षेपात्मक विचिंतन, आक्षेप संगति। जैसे कहते हो ना, किसी ने कहा एक काम तुम कर लोगे, ऐसे पूछा एक काम तुम कर लोगे, तो एक उत्तर तो है कि हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है, ऐसा उत्तर दिया कि हाँ मैं कर लूँगा। दूसरा उत्तर दे सकता, क्यों नहीं कर लूँगा, क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? दोनों उत्तर में फर्क है कि नहीं? हाँ, आप एक काम कर सकते हो, एक ने कहा हाँ कर लूंगा, ठीक है, दूसरे ने कहा क्या मैं नहीं कर सकता, मतलब उसका कहने का मतलब है कि क्या मैं नहीं कर सकता, मतलब क्या हुआ कि मैं इस काम को, है ना, लेकिन तरीका कौन सा बना?
वहां प्रश्नवाचक हुआ ना, क्या मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हुआ आक्षेपात्मक, उसने आक्षेप किया है आप पर। जब इसे आपने कहा क्या तुम कर लोगे, तो उसने आक्षेप किया है कि आपने हमको समझ क्या रखा है, अहरा गहरा न तू खैरा, क्या मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसका है आक्षेप, ऐसे यहां पर आक्षेप संगति है, इसका प्रश्न का नाम है आक्षेपात्मक प्रश्न उत्तर। तो कह रहे हैं स्वप्रकाशतया किमते, अरे वाह वाह, तो ये जो आत्मा स्वप्रकाश है, अब देखना बहुत बढ़िया सटीक प्रश्न है। करें आत्मा आपने कहा स्वप्रकाश है, मैं स्वप्रकाश है, तो जब कोई तत्व तो स्वप्रकाश है तो क्या उसी से ज्ञान हो जाएगा, कोई तत्व तो स्वप्रकाश है तो क्या उसी से ज्ञान हो जाएगा, तो कहते हैं नहीं, स्वप्रकाश होने मात्र से हमको ज्ञान नहीं होता। आत्मा स्वप्रकाश तो है लेकिन फिर भी हमको इतने सालों से ज्ञान नहीं, क्यों, क्योंकि जब तक आप जानना ना चाहो, अपनी बुद्धि को जोड़ो ना उससे, तदाकार बुद्धि ना बताओ बनाओ, तब तक ज्ञान कैसे होगा, नहीं समझे। ये वस्तु जड़ है, ठीक है, इसको किसी और के प्रकाश की जरूरत है, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं परा प्रकाश जड़। दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, वो पर प्रकाश है कि स्वप्रकाश, पर प्रकाश है, दीपक जल रहा है, वो खुद भी प्रकाशवान है, औरों को भी प्रकाशित करना है, सूर्य, चलो सूर्य कह लो, ठीक है ना। तो क्या दीपक का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, बोले नहीं, अगर हम देखने न चाहें जानने न चाहें तो, अगर मैं सूर्य को देखना ना चाहूं जानना ना चाहूं तो, वो स्वप्रकाश कोई होवे बहुत अच्छा होवे, लेकिन जब तक आप जानना नहीं चाहोगे, आपकी बुद्धि उससे नहीं जुड़ेगी, तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं। हाँ, देख जरा देखो तो बेटा सूर्योदय हुआ कि नहीं, इसका मतलब क्या, सूर्य भगवान हैं, स्वयं प्रकाश हैं, लेकिन आपको सूर्य के साथ मन को जोड़ना पड़ेगा, उधर नजर करोगे तब आप कहोगे हाँ हाँ सूर्योदय। तो वो स्वयं प्रकाश तत्व कोई है तो भी आपकी बुद्धि जब तक उससे जुड़ेगी नहीं, तब तक उसका ज्ञान नहीं, ठीक है ना। दो बातें हो गई, हाँ, यहाँ पर घाट, घाट बुद्धि, घाट है जड़, आत्मा है स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश आत्मा और स्वयं प्रकाश आत्मा को जानने की तदाकार वृत्ति, जब आप जानना चाहोगे तभी जान पाओगे। अगली बात कहते हैं बुद्धिश्च क्षण नाश्येति, अरे राम राम, तो बुद्धि तुम्हारा क्षण क्षण में बदल जाती है, अभी एक विचार उठा है अगले क्षण वो विचार नष्ट हो जाएगा। आप जो कह रहे हो कि बुद्धि की वृत्ति से जानना जाता है, ये योगाचार का मत हो गया, क्षणिक विज्ञानवाद है ना। हाँ, तो बुद्धि तो क्षण नाश्येति, बुद्धि तो क्षण क्षण में बदल जाएगी, अलग अलग विचार बदल जाएगा, तो आपका ज्ञान भी बदल जाएगा क्या, बोले कि जो बात ये करे तो घट में भी वहां भी तो बुद्धि बदल जाती है। ये क्या है, कटोरी है कि नहीं, कटोरी बुद्धि हुई ना एक, अब ये क्या है, तो कटोरी बुद्धि मिट गई और कौन सी बुद्धि आ गई, अब गिलास बुद्धि आई ना, गिलास बुद्धि आई। हाँ, तो अब इससे क्या कटोरी का ज्ञान आपका मिट गया क्या, बुद्धि के भीतर वृत्ति का परिवर्तन हो रहा है, एक वृत्ति गई और दूसरी आई, एक वृत्ति गई दूसरी आई, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो नष्ट नहीं, नहीं समझे। वो ज्ञान जब होगा तो वह स्मृति ज्ञान नहीं होगा, जब होगा अनुभव आत्मा का तो स्मृति ज्ञान नहीं होगा। हाँ, घट का स्मृति ज्ञान है, आपका चित्त संस्कार से मुक्त जिस दिन हो जाएगा उस दिन मुक्त हो गए। संस्कार तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जब वो प्रसंग कभी लेंगे तो हम कहेंगे कर्म के दो फल होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट, कर्म का दृष्ट फल हमको मिले और अदृष्ट फल हमारे चित्त पे ना पड़े, आप मुक्त हो जाओगे, वो प्रसंग वहां पर होगा।
प्रत्येक कर्म का दो फल होगा, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट फल हमको मिलेगा ही मिलेगा, अदृष्ट फल हमारी वासना बन के चित्त में न बैठे, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो गया, संचित ज्ञान से क्षय हो जाएगा, और आगामी जितने कर्म हैं उनका अदृष्ट फल नहीं मिला तो आप जीवन मुक्त हो। अब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ वाला विषय हो गया ना, अभी यहाँ विषय केवल बुद्धि की वृत्ति पर विचार है हमारा, बुद्धि की वृत्ति पर। फिलहाल बुद्धि की वृत्ति पर यहाँ पर दो चीज, एक वस्तु है, वस्तु है उसको हम जानते हैं, उसको हम जानते हैं, तो वस्तु और वस्तु का ज्ञान, इसको कहते हैं घट और घट बुद्धि, ठीक है। दूसरी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश वस्तु है, आत्मा होती है, आत्मा है आपका, आत्मा कहीं दूर नहीं है, सर्वव्यापक है, लेकिन जब तक उससे आपका विवेक नहीं जुड़ेगा, बुद्धि की वृत्ति नहीं जुड़ेगी, तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। फिर प्रश्न किया कि बुद्धि तो बदल जाती है, तो बोले बुद्धि बदल जाती है, जैसे जैसे विषय आएगा बुद्धि बदल जाएगी, लेकिन ज्ञान थोड़े मिट जाता है उस वस्तु का ज्ञान। ये थोड़े है कि जो बचपन में हमने पढ़ लिया था वो ज्ञान खत्म हो गया, जो चीज़ हमने जा करके रामेश्वरम में देख लिया था अब उसका ज्ञान ही नहीं है, जो चीज़ हमने जाके समुद्र के किनारे नारियल पी लिया था अब नारियल का ज्ञान मिट गया, बोले नहीं, ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है बल्कि बुद्धि का उपवृत्ति बदल गई। अब यहाँ पर हमने नारियल लिया तो नाम तो नारियल समझ गए ना, पीने वाला सब समझे कि नहीं, हाँ अभी आया, लेकिन ये कहाँ था, बुद्धि के ज्ञान में था, सबके बुद्धि के, यहाँ पर नहीं था इस समय, यहाँ सत्संग की वृत्ति थी। तो इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर जो एक बार स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो स्वरूप का ज्ञान फिर मिटता नहीं। अगला श्लोक इसी बात करें, ये पढ़ लिया श्लोक कि नहीं, घटा दो निश्चिते बुद्धिर, नहीं पढ़ा, फिर से पढ़ लो, घटा दो निश्चिते बुद्धि नश्यत्येव यदा घटः इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत् सममात्मनि। देखो घटा दो निश्चिते बुद्धि, घट आदि किसी भी विषय में, घटा दो माने किसी भी विषय में एक बार बुद्धि में निश्चय ज्ञान हो गया, नश्यत्येव यदा घटा, उसके बाद चाहे घड़ा टूट जावे चाहे वस्तु नष्ट हो जावे इसे लेना देना नहीं, लेकिन एक बार आपकी बुद्धि में ज्ञान हो गया, हमने बच्चे को बता दिया कि ये घड़ा है, एक कटोरी है, कटोरी है, उसकी बुद्धि में ज्ञान हो गया, इस कटोरी को हमने तोड़ दिया, दो घंटे बाद मैंने बच्चे को कहा कोई कटोरी ले आओ, तो क्या कटोरी कोई दूसरे कटोरी लेके आएगा कि नहीं, हाँ कैसे लाएगा, किस ज्ञान के कारण, घड़ा तो नहीं लाएगा, बाल्टी तो नहीं लाएगा, कपड़े तो नहीं लाएगा, हमने कहा कटोरी लाओ तो कैसे लाएगा, इसी के जैसा मिलता जुलता, कोई मिलता जुलता इसी के जैसे लाएगा ना, क्यों लाया हो, क्योंकि कटोरी जो कटोरी बुद्धि है उसके भीतर ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद वस्तु नष्ट हो गई, टूट फूट गई, किनारे हो गई, लेकिन उसकी बुद्धि का ज्ञान नष्ट नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे मैंने नारियल का दृष्टांत दिया, हाँ हाथी, अभी तक हाथी का दिमाग में नहीं था, हाथी देखा है कि नहीं, कैसा होता है, कैसा होता है मुझको बताओ, मैंने नहीं देखा कभी, कैसा होता है, हाँ अच्छा शुतुरमुर्ग कैसा होता है, हाँ जिराफ कैसा होता है, बाघ कैसा होता है, चलो कुत्ता कैसा होता है बताओ, हाँ ये सारी बुद्धियाँ आपके भीतर कहीं ना कहीं बैठी, सारी बुद्धि है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये चूहा है, ये काकरोच है, खास करके छिपकली बुद्धि तो नष्ट कभी नहीं होती है ना,
हाँ, छिपकली बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती। आप कभी किसी दिन दिख गई, ए छिपकली, आप देखो छिपकली बुद्धि आ गई, छिपकली गई आई, लेकिन आपकी बुद्धि में जो ज्ञान है, देखो एक यहाँ पर दो विभाग कर रहे हैं, दो विभाग कर रहे हैं, एक बुद्धि में वृत्त्यात्मक ज्ञान और दूसरा बुद्धि के भीतर उस वस्तु का ज्ञान जो निष्ठ है, पक्का है। जिस समय उसकी वृत्ति उठी, ये माइक है, ये किताब है, ये अमुक है, इसको कहते हैं वृत्ति के अनुसार ज्ञान। योगाचार का यहीं पर खंडन है, योगाचार का ये खंडन है, बौद्ध दर्शन के क्षणिक विज्ञानवाद का एक खंडन है। जैसे वो कहते हैं प्रतिक्षण आलय विज्ञान है, एक बुद्धि आई वो नष्ट हो गई, दूसरी आई नष्ट हो गई, तीसरी, तो कहते हैं कि फिर हर क्षण आपको नया ज्ञान होना चाहिए। पुराने की स्मृति कैसे आ रही है, कटोरी कैसे जान गए तुम, कैसे जान गए कटोरी, योगाचार के मत का खंडन हो जाएगा यहाँ पर, नहीं समझ आ रहा है। हाँ, खंडन है। इष्टो नेतुम ले आ सकते हैं घड़ा, हमने बच्चों का घड़ा ले आओ, ले आया। ऐसे समम आत्मनि, ऐसे आत्मा के बारे में, वही मैं कह रहा हूँ। देखो मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, एक बार बच्चे को बताया कि तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, है ना, उसके बाद वो बैठ गई, जिस समय बताया उसकी वृत्ति में आया, हाँ मैं हूँ, वृत्ति में आया, उसके बाद वो बैठ गई भीतर जा करके। अब निरंतर वो उसकी वृत्ति नहीं बनी रहती, उसका विचार नहीं चलता रहता, मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, लड़का हूँ, विचार नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे कोई कहेगा तुम कौन, तो मैं कहूँगा मैं पुरुष, मैं मनुष्य। टीटी पूछे क्या नाम है, क्या कहोगे, रुको सोच के बताता हूँ, बोलोगे ऐसा, रुको सोच के बताता हूँ, बोलोगे ऐसा? अगर ऐसा बोला टीटी कहेगा आप तुम पकड़े गए, क्योंकि अपना नाम किसी को सोचना पड़ता है। लेकिन वृत्ति में नहीं है, हमने उसको बताया, एक क्षण वृत्ति में आई मेरा नाम, वो टीटी गया, और उसके बाद फिर आप जो है बात करने लगे, अब भूल गए, आपकी वृत्ति वो खत्म हो गई, अब वो बैठी है भीतर, ज्ञान बैठा है कि मेरा अमुक नाम है। महाराज कम से कम उम्र तो सबके चित्त में बैठा, साल भर बैठा रहता है, मैं इतने साल का हो गया, लेकिन हमेशा याद नहीं करते। तो एक वृत्ति में ज्ञान और दूसरा उस वृत्ति के द्वारा जो स्थित ज्ञान है, तो इसको कहते घट बुद्धि और घट का ज्ञान, याद रखना, घट बुद्धि घट का ज्ञान। घट बुद्धि हमने सुना समझा ये घड़ा है, और उस घट का जब ज्ञान हो गया तो पक्का हो गया। ऐसे जब हम कहते हैं तुम ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, तो वृत्ति है, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, आत्मा हूँ, ये वृत्ति है। जब ये ज्ञान पक्का हो जाएगा तो आपको वृत्ति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यथा पुरुषोहम मनुष्योहम, वैसे चित्तवृत्ति बन जाएगी, समम आत्मनि, ऐसा आत्मस्वरूप। ये तत्ववेत्ता महापुरुषों का है जी, इसलिए थोड़ा सा ये ज्ञानियों का है, खूब डूबोगे तो समझोगे। हाँ, फिर देखो श्लोक जो है, फिर वही कह रहे हैं कि अब ये ज्ञान और उपासना का विषय है। निश्चित सकृत आत्मानम् यदापेक्षा तदैवतम् वक्तुम् मन्तुम् तथा ध्यातुम् शक्नोत्येव हि तत्त्ववेत् उपासक इव ध्यायन् लौकिकं विस्मरेत् यदि विस्मरत्येव स ध्यानात् विस्मृतेर्न तु वेदनात्। सरल सा है, बहुत आसान सा है। निश्चित सकृत आत्मानम्, सकृत माने वह प्रत्यय, वह वृत्ति बोध, सकृत आत्मानम् अपनी आत्मा का बोध, सकृत माने सकृत को जोड़ना ज्ञान से,
अच्छी प्रकार से सकृत सम्यक रूपेण अखंडाकार वृत्ति बनाने के उपरांत जो बोधात्मक वृत्ति बहता हो उसको कहते हैं सकृत, सम्यक रूपेण कृतवान या सा वृत्ति सा सकृत। तो अच्छी प्रकार से, तो सकृत माने ज्ञान, किसका? आत्मानम, अपनी आत्मा का एक बार अच्छी प्रकार से निश्चय हो गया मैं आत्मा हूँ। जैसे मैंने शरीर का नाम दिया, नाम का नाम लिया, एक बार हो गया। तो यदा अपेक्षा, जब उसका मन होवे तदयुतम जो करे, हाँ फिर कोई नुकसान नहीं, कोई लाभ नहीं। जब मर्जी आवे तो अपनी आत्मा की बात बोले, जब मर्जी आवे तो अपनी आत्मा का मनन करे, मन तुम, जब मर्जी आवे तो ध्यान तुम ध्यान करो, ना मर्जी आवे ना करे। हाँ, उसका मन है, ज्ञानी की मौज है, वो कभी बोलता है आत्मा की बात, कभी संसार की बात बोलता है, कभी ध्यान करता है, कभी मनन करता है। मन है करे, ना मन है ना करे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही अपने ज्ञान में आरूढ़ होता है, उसके ज्ञान का कभी बाध नहीं होता। हाँ, अरे अच्छा, आप अपना नाम लड़ाई करते समय अपना भूल जाते हो क्या कि मैं स्त्री पुरुष हूँ, मेरा ही नाम है, भूल गए लड़ाई करते समय? अच्छा, जब विलाप करो कोई बहुत जोर से, कोई घर में दुर्घटना हो गई और विलाप करना शुरू किया तो अपना नाम भूल जाता है क्या? विलाप करते हुए भूलेगा क्या हुआ? बोलेगा? हाँ, घर का काम करते हुए भूलेगा, दफ्तर का काम करते हुए भूलेगा, प्रेम करते हुए भूलेगा, राग द्वेष बनते हुए भूलेगा? जो अपना अपने मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष स्त्री हूँ, ये जो वृत्ति भीतर ज्ञान हुआ, चाहे जो व्यवहार करो आप, हाँ चाहे जो करो व्यवहार करो, हाँ लड़ाई करो, झगड़ा करो, प्रेम करो, घृणा करो, कुछ भी करो, घर का काम करो, खेती का काम करो, गाड़ी चलाओ, सब समय पर ये ज्ञान आपका ज्यों का बना। तो ऐसे आत्मा का ज्ञान है जी, आत्म स्वरूप का जो एक बार बोध हुआ, फिर आपका सारी दुनिया का चाहे जितना काम करते रहो उससे आत्मा का ज्ञान कभी बाधित निषेध नहीं होता, वो अपनी महिमा में रहता है। अब उसकी मौज है ज्ञानी की, तत्ववेत्ता की, कभी प्रवचन करता है, कभी ध्यान करता है, कभी बैठ के मनन शास्त्र पढ़ रहा है, कभी नहीं तो क्या क्या बोलूँ, गाड़ी चला रहा है, ज्ञानी की मौज है गाड़ी चला रहा है, ज्ञानी की मौज है टीवी देख रहा है, आप क्या बिगाड़ लोगे? हमारा मन है, मैं अपना पिक्चर लगा के देख रहा हूँ, क्या करोगे? अरे महाराज जी, तो पिक्चर देखने से मेरे ज्ञान को कोई फर्क पड़ेगा क्या, पागल? ये ज़्यादातर होता है, ओ महाराज को देखो, अरे विरक्त मंडली होती, ओ महाराज तो घड़ी लगाने से क्या फर्क पड़े, हाँ मेरे ज्ञान में कोई बाधा है? विरक्त मंडली लोग जो घड़ी, हाँ दूसरे जो दंडी स्वामी लोग हैं कहेंगे, ए महात्मा कुर्ता पहने, सिला हुआ कपड़ा पहने, हाँ तो तेरे सिला हुआ कपड़े पहनने से मेरे ज्ञान में क्या कोई बाधा हो गई क्या? एव मेव अहम आस्थिता, हम सब करते हुए, सब देखते हुए, सब जानते हुए, सबके बीच में मैं अपने आप को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। मर्जी मौज मेरी है, चाहे मैं प्रवचन करूँ, चाहे मैं मनन करूँ, चाहे मैं ध्यान करूँ, और चाहे मैं लड़ाई करूँ। दुर्वासा ऋषि क्रोध करते हुए भी ब्रह्म हैं, देवर्षि नारद लगाई बुझाई करते हुए ब्रह्म हैं, वशिष्ठ जी प्रवचन करते हुए भी ब्रह्म हैं, क्योंकि ज्ञान कभी बाधित नहीं होता। जैसे आपका नाम, जैसे आपका शरीर का पुरुष स्त्री, हाँ बाधित नहीं होता, चाहे जो कर लो, हाँ एक बार हुआ तो पक्का कि नहीं, पक्का हो गया? ये मत कहना कि ओ महाराज जी को देखो, वो तो जो है बताओ रात के 12 बजे खा रहे थे, 12 बजे कोई खाने का टाइम होता है तो राक्षसों का टाइम, मौज है उनकी 12 बजे खाएं, हमको आलू खिला दिया एक महात्मा ने रात के 12 1 बजे वृंदावन में, उसमें कौन सा, अरे आज एकादशी है, एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना ज्ञान ऐसा स्वरूप है, वो सबसे मुक्त कर देता है।
आप उस महिमा में जाके तब पढ़ोगे, तब समझोगे, जो कबीरा काशी मरे राम है कौन नहीं हो रहा रे। चाहे वो काशी में शरीर छूटे चाहे मगर, क्योंकि ज्ञान का कभी बाध नहीं होता। जब एक बार जान लिया कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, तो निषेधुम काक्षमित, कौन समर्थ हो सकता है इसका निषेध करने में। आप लाख तर्क दो, करोण से करोण आप लॉजिक दो कि मैं मर गया हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। एक लाख आप पोथी उठा के रख दो कि तुम मर गए हो, मेरा अनुभव है कि मैं जिंदा हूं, मेरा अनुभव है कि मैं जिंदा हूं। आपका तर्क, आपकी पोथी, आपके लॉजिक सब अपने पास रखे रहो, आप सिद्ध कर दो तर्क से। वो विजयनगर राज्य की कोई घटना है, विजयनगर राज्य में एक विद्वान आया, विद्वान पंडित आया, और उसने, वो न्याय दर्शन का विद्वान था, न्याय दर्शन का विद्वान, भरी सभा ने कहा कि मेरे से कोई शास्त्रार्थ कर लेवे। चर्चा हुई तो वहाँ सीप और चांदी का दृष्टांत लिया गया, सीप और चांदी का, सुक्ति का रजत का दृष्टांत लिया। तो उसने तर्क के द्वारा प्रमाण के द्वारा उसने सिद्ध कर दिया कि जितनी सीप है सब चांदी है। ये वेदांती लोग सीप चांदी कह करके, सीप ही चांदी है, तर्क से सिद्ध कर दिया। जब सिद्ध हो गया, सभा, कोई सभा में उत्तर दे ही नहीं पाया, उसको काट ही नहीं पाया, सीप चांदी है। आप कैसे मना करते हो? इस एक धातु को आप कह देते हो चांदी ना, ये लोक मान्यता है कि इस धातु को सफेद सफेद को चांदी कहते हो, मैं तो सीप को चांदी कहता हूं, सीप ही चांदी। उसने सिद्ध कर दिया, वो भी मान्यता है आपके, 10-100 लोगों ने, 1000 लोगों ने, समाज ने मान रखा है ना, जैसे नोट, आपकी मान्यता गलत है। उसने न्याय से सिद्ध कर दिया, तर्क से सिद्ध कर दिया। महाराज कोई सभा जवाब नहीं दे पाया। राजा ने कहा, तुम तो बहुत विद्वान हो, कुछ पुरस्कार भी देना चाहिए तुमको। राजा बहुत बुद्धिमान था, उसने अपने राज के सैनिकों को आज्ञा दिया, सुनो अपने समुद्र के किनारे जितनी सीप है सब बटोर लाओ, इसको पुरस्कार में दे दो, चांदी है सीप। सीप चांदी है, आज मैं समझ में आ गया, तो इसको सारी सीपियाँ इसको दे दो, क्योंकि चांदी चाहिए, पुरस्कार में सोने चांदी दिया जाता है, ये सीप लेवे और जावे यहाँ से। एक असर फी भी नहीं दिया, ना कोई स्वर्ण मुद्रा, ना कोई रजत मुद्रा, कोई नहीं, क्या ले लो, सीप ले लो, चांदी है लेकर जाओ, पूरा उसको और भर दिया उसको 2-4 बोरे। किस काम का? हाँ, तो कई उसके किस काम का? बोले महाराज ये तो आपका तर्क अपनी जगह पर, मेरा अनुभव है कि मैं जीवित हूँ, तो इसको कोई निषेध नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता। तो ऐसे जिस समय आपका अनुभव हो कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, कोई भी तर्क, कोई भी बाहर की चीज़ हमारे इस ज्ञान को काट नहीं सकता। बाहर की चीज़ सब बाहर, शब्द बाहर है, स्पर्श बाहर है, रूप रस बाहर हैं, वस्तुएं बाहर हैं, आपके विचार बाहर हैं, और मेरे ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। तो मेरी मौज है ज्ञानी की, तत्वविद की, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, चाहे चले चाहे ना चले, चाहे खाए चाहे ना खाए, चाहे ध्यान करे और चाहे ध्यान ना करे। यही भ्रम में, इस भ्रम में मत पालना कि वो महाराज तो ध्यान कर रहा था, वो बाबा बिल्कुल ऐसे बैठ करके ताश खेल रहा था, तो वो ज्ञान बाबा कैसे, वो ज्ञानी कैसे, ताश खेलते हुए भी वो ब्रह्म है अगर तत्ववेत्ता है तो। वक्तुम मंतुम तथा ध्यातुम शक्नोति एव हि तत्ववित्, कुछ भी कर सकता है। क्या ऐसा शब्द है, उपासक इव ध्यायन, आय है ये बात है। अब एक जो है यहां पर फिर से प्रश्न उठाया, उपासक इव, इव शब्द है ना, यू माने जैसे, किसके लिए, ज्ञानी के लिए, यहाँ चर्चा हो रही ज्ञानी की, ये चर्चा हो रही ज्ञानी की। तो अगर कोई ज्ञानी ध्यान कर रहा है, ऊपर कहा था ना उसकी मौज है ध्यान करे, तो ज्ञानी ध्यान कर रहा है कैसे, उपासक इव, जैसे ध्यान करने वाला, उपासना करने वाला ध्यान कर रहा था, वैसे अगर ज्ञानी भी कभी ध्यान करने बैठ गया तो उसका लौकिक व्यवहार, लौकिकम विस्मरित, लौकिक व्यवहार तो टूट जाएगा ना। याद है जैसे क्या सुने हो कि परीक्षित
कुटिया में पहुंचे और वहां महात्मा कर रहे थे ध्यान। अब प्रसंग याद कर लूँ ना, परीक्षित आश्रम में पहुंचे तो महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, समीक ऋषि। हाँ, तो उस समय एक प्यासे आदमी को पानी पिलाना चाहिए, ये लौकिक व्यवहार है, ये लौकिक व्यवहार है, लेकिन उनको उसका ध्यान नहीं। तो लौकिक व्यवहार जिसको आप कहते हो अतिथि देवो, वो खंडित हो गया ना वहाँ पे, उस प्रसंग को याद करो, वो लौकिक व्यवहार खंडित। क्यों? क्योंकि उस समय वो कहाँ बैठे थे? ध्यान में। तो लौकिक व्यवहार खंडित हो जाएगा। तो कहते हैं अरे खंडित हो जाओ तो खंडित हो जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? शुरुआत में नहीं तुमको बताया था कि पांचों महाभूत और ये शरीर क्या है? सबका सब, सब प्रपंच है, माया जाल है। तो इसमें अगर कुछ खंडित भी हो गया तो बिगड़ेगा क्या? हाँ, सिनेमा पर, सिनेमा के पर्दे पर पांच आदमी मर गए, पर्दे में सिनेमा पर पांच मर गए तो कितने मरे असल में? हम तो कबड्डी खेला करते थे, कबड्डी हमारा एक प्रिय खेल था। कबड्डी में इधर से तो 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 करते हुए गए, उसको छू के चले आए, तो जिसको छू के चले आए वो क्या हुआ? आप कैसे क्या बोल रहे हो? हाँ, शर्म नहीं लगती? सच में मर गया वो? हाँ, बोलते क्या थे? हाँ, बोलते यही थे ना, मर गया। वो वहाँ पर बाहर बैठ जाता था, फिर वो बाहर बैठ जाता था और इंतज़ार करता था मेरी पार्टी वाला जावे और उसमें से किसी को छू के आवे। हाँ, जब उसकी पार्टी वाला जाता था उसमें से किसी को छू के आ जाता था तो जिंदा हो जाता था, उधर का मर जाता था, ऐसे होता था ना। तो वहाँ मर भी गया और जिंदा भी हो गया। शाम को माँ ने डंडा लेके दौड़ाया, अंधेरा हो गया खेलते खेलते, तुम लोगों को अभी बताती हूँ। जब दो माताएं डंडा लेके दौड़ी तो ना वहाँ लाइन रही, ना वहाँ मरा हुआ रहा, ना वहाँ जिंदा रहा, सब क्या हो गए? सब भागे। तो कितने मरे कितने जिंदा हुए वहाँ खेल में, कबड्डी में? कितने मरे कितना जिंदा हुए? नहीं समझ में आ रहा क्या? इससे ज़्यादा आसान और क्या समझाऊँ फिर? तो ये सब कबड्डी का खेल है, यहाँ ना कोई कुछ है, बस। तो वो महात्मा कह रहे हैं, वो जो तत्ववेत्ता है उसका मन है कि ध्यान करूँ, ध्यान किया, कोई आया मिले भी नहीं उससे, पानी भी नहीं पूछा, व्यवहार खराब हो गया। तो उससे कब बिगड़ने वाला उसको, क्योंकि उसके ज्ञान में तो कोई बाधा है। विस्मृत इत्येव स ध्यानात्, विस्मृतिर न तु वेदनात्। वो ध्यान के कारण, वो ध्यान कर बैठे थे तो दुनिया का व्यवहार नहीं कर पाए, अतिथि देवो भव पानी नहीं पिला पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके, उनके उस ज्ञान का कोई फर्क नहीं होगा, ज्ञान ज्यों का त्यों होगा। विस्मृति ना तो वेदनात्। ओ हाँ, एक चीज़ और, वो ज्ञान के कारण, ये मत कहना कि उनका भीतर जो बड़े ज्ञानी थी इसीलिए प्यार से बात नहीं किए, वो ज्ञान के कारण नहीं, ज्ञान तो बस इतना दिखा देता है ये आदमी आया ये आदमी गया, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। व्यवहार उस, उसको योग्य नहीं समझा होगा तो नहीं बात किए, उसको योग्य समझा होगा तो बात किया होगा, ये लौकिक व्यवहार है। एक श्लोक और पढ़ लूँ क्या? एक श्लोक और पढ़ लेता हूँ, वैसे दो श्लोक के बाद में प्रसंग बदल जाएगा। हाँ, दो श्लोक के बाद में थोड़ा विषय बदलेगा। ध्यानम त्वैच्छिकमेतस्य वेदान मुक्ति सिद्धितः, ध्यानम त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान मुक्ति सिद्धितः, ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इति शास्त्रे सुडिण्डिमः तत्त्वविद्यात् न ध्यायेत् प्रवर्तेत् तदा बहिः, प्रवर्तताम् सुखेनायम् को बाधोस्य प्रवर्तने। करें ध्यानम तु ऐच्छिकम एतस्य, एतस्य माने तत्ववेत्तस्य,
एतस, यहाँ पर शब्द है एतस माने तत्ववित्त, जो तत्व का वेत्ता है उसके लिए ध्यानम तु ऐच्छिकम, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है ध्यान करे। हाँ, ऐसे प्रश्न पत्र में आता था ना कि दो प्रश्न करना अनिवार्य है और बाकी ऐच्छिक है, ऐच्छिक माने पांच में से कोई भी तीन, ऐसे कुछ होता था ना। तो ऐसे ऐच्छिक माने उसकी मौज है, वो ध्यान करे चाहे ना करे, क्योंकि मुक्ति कैसे होगी, वेदनात् मुक्ति सिद्धता, वेदनात् माने ज्ञान से ही, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। जैसे आपने अपनी आत्मा को जाना, ये शरीर आदि से पृथक मेरे अपना आत्मस्वरूप, उससे मुक्ति मिलती है। वेद में लिखा है ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। इति शास्त्रेषु, ए वेदांत में, शास्त्रों में डिंडिमामा ने उद्घोष है कि ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। तो जिसने स्वरूप को जान लिया वो मुक्त है, चाहे वो ध्यान करे, चाहे प्रवचन करे, चाहे ना करे, उसकी अपनी मर्जी। लौकिक व्यवहार नहीं भी निभाया ठीक से, उसका कुछ बिगड़ने वाला। हाँ, अरे इसी बात पर तो हमारी और बीके सिंह कभी कभी तू तू मैं होती रहती ना, स्वामी जी आप ऐसा करते हो, डांट के भगा, यही ना, मतलब लौकिक व्यवहार ठीक से स्वामी जी। अब मैं बार बार कहता हूँ मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं ऐसे बोल मेरा क्या बिगड़ेगा, ना कर्मणा वर्धते नो कनी। हाँ, क्या हो, तो इसलिए उस स्थिति को समझो जो तत्ववेत्ता है, उसके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यवहार करे ना करे, आपका हाल चाल पूछे, आपका हाल चाल ना पूछे, पानी पीना पूछे, पानी ना पिलावे, तो वो तत्ववेत्ता के ज्ञान की स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परीक्षित को पानी नहीं पिलाया, ठीक है ना, गले में मरा सांप डाल दिया, उस महर्षि का क्या बिगड़ा, उन्होंने श्राप भी नहीं दिया, उन्होंने श्राप नहीं दिया, श्राप तो उनके बेटे ने दिया। अभी भागवत सुनो, श्राप किसने दिया, बेटे ने। वो महात्मा का क्या फायदा हुआ राजा के आने से, और महात्मा ने जो पानी भी नहीं पिया, लोक व्यवहार दुनियादारी नहीं निभाई, तो महात्मा का क्या नुकसान हुआ। हाँ, समी कृषि पर दृष्टि ले जाओ, समी कृषि का क्या नुकसान हुआ। हाँ, राजा के आने से कोई फायदा नहीं, और अगर ठीक से अतिथि देव भाव को निभाया नहीं तो उनका कोई नुकसान नहीं। तो जो तत्ववेत्ता हैं उनका व्यवहार नहीं भी निभाते तो कोई नुकसान नहीं, उनकी मौज है, निभावें तो ना निभावें तो वो अपनी महिमा में रहते हैं, अपनी महिमा में रहते हैं। यही इसी को हमने दूसरे तरीके से कई बार प्रवचन में कहा कि कम से कम महात्माओं पर चाहिए शब्द मत लगाया करो, ऐसा मैंने कई बार व्यंग बोला। कई बार कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, स्वामी जी को ऐसा करना चाहिए, गुरु जी को ऐसा करना, ऐसा बोलना चाहिए, चाहिए शब्द मेरे साथ मत लगाओ ना। हाँ, अपना कानून अपना कायदा अपने पास रखे रहो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आपके हिसाब से हम नहीं चले तो आप नाराज़ हो जाओगे तो 100 रुपया चढ़ाते तो नहीं चढ़ाओगे, यही तो ना। हाँ, तो वो तो हम पहले छोड़ के आए हैं। हाँ, अगर उसी पर दृष्टि होती तो नौकरी क्यों छोड़ते, घर परिवार क्यों छोड़ते। हाँ, बोले आपके पास आएंगे नहीं तो मेरे पास नहीं आओगे तो हम, महात्मा तो घर पहले छोड़ चुका है माँ बाप को, वो तो अकेला रहने के लिए तैयार है, तो क्या नुकसान होगा। आप भी बहुत इसमें जाते हो लौकिक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में बहुत जाते हो, क्या नुकसान होगा। हम तो पहले, हमारा तो सब पहले बिगड़ा हुआ है, घर परिवार धन संपत्ति सब तो बिगाड़ के आए हैं ना, हमारा क्या नुकसान होगा। कम से कम हम, अब जो भी है हमको मत लगाना कि आपको करना चाहिए, तुम भी कम नहीं हो। हम 10 दिन रहे, गुरुजी हमको प्यार से देखे नहीं, हमसे बोले भी नहीं, जा रहा हूँ दूसरे आश्रम में, बोले कि क्यों फंसे थे। फिर हम जा रहे थे, वो मोटा मोटा सा लड़का खड़ा था, जाने नहीं दिया, हम गुरुजी से मिल नहीं पाए, हमसे बात भी नहीं पाए, हम जा रहे हैं दूसरे गुरुजी के पास, कोई गुरुजी की कमी है प्रयाग में, 50 लाइन से लगे हुए हैं पंडाल,
क्यों क्यों बिगड़े फिर, मतलब वहाँ भी कि गुरु जी हमसे बात करें, गुरु जी हमसे यही ना चाहिए लगाया तभी भटके। तो अब बच्चे नहीं रहे, अब तो अब गुरु जी पर चाहिए शब्द मत लगाओ, उनको ध्यान करना चाहिए, सिले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कम से कम कड़वा नहीं बोलना चाहिए, उसको डांट के भगाना नहीं चाहिए, विरक्त मंडली वाले घड़ी नहीं पहनना चाहिए, पैसा नहीं रखना चाहिए, बाल नहीं कटिंग करना चाहिए, अरे राम राम, कुछ जो तत्व वेता है उसकी अपनी मौज है, चाहिए शब्द मत लगाओ, उसका अपनी मौज है, उसके ज्ञान में कभी बाधा नहीं। याद रखना, दुर्वासा ऋषि श्राप देते हुए भी ब्रह्म देता हैं, भगवान कृष्ण 16108 के बीच में रहते हुए भी ब्रह्म हैं, सुखदेव जी विरक्त रहते हुए भी ब्रह्म हैं, राजा जनक महल के बीच में रहते हुए भी तत्व भेदता हैं, किसी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे रहे हैं और किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, उससे उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं। अर्जुन सबको मारते हुए नीतिपूर्वक अनीतिपूर्वक सबको मारते हुए भी उसको कभी भी ना नरक का दर्शन करना पड़ता है ना पुनर्जन्म, क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया है, कहीं नहीं लिखा कि उसको नरक का दर्शन करना पड़ा या पुनर्जन्म लेना पड़ा हो। ये ज्ञान की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है, आपको इसी क्षण मुक्त परम शुद्ध कर देता है ज्ञान, धारण तो करके देखो। ज्ञानात एव तो कैवल्य, इस ज्ञान से कैवल्य पद की प्राप्त होती। ये ज्ञान क्या, दो चीजें हैं, एक प्रपंच और दूसरा उसका साक्षी। प्रपंच में सब गिना दिया था, पांच महाभूत, पांच विषय, पांच ज्ञानेंद्री, शरीर, वाणी, मन, याद है ना, ये सब प्रपंच है, और इसका जो प्रकाशक है वो अपना आत्मा, प्रकाशक नित्य है, ये प्रपंच मायामयी है, ये शरीर व्यवहार करे करे, मैं तो स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ, उस भाव में निष्ठ रहो, मैं जो हूँ उसका कोई निषेध नहीं कर सकता, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, मैं, इस मैं को कौन काट सकता है, हाथ काट सकता है, गर्दन काट सकता है, मैं को कोई काट के दिखावे, ओ मैं स्वयं प्रकाश हूँ, शुद्ध चेतन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ऐसा मेरा स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये तो एक अपने ज्ञान का रस है, एक बार लग गया तो फिर तो इस सर्वोच्च रस है, इसको विश्व की कोई दर्शन काट नहीं सकता आपके इस ज्ञान को, इसीलिए भारत जगत गुरु है। हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बौद्धों के दर्शन, इस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, हमारे भगवान का खंडन कर देंगे, हमारी पूजा पद्धति का खंडन कर देंगे, हमारे जप तप का खंडन कर देंगे, लेकिन जो इस अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान है ये कोई नहीं काट सकता, इसलिए भारत की महिमा है, इस ज्ञान की महिमा है। आप छोटी मोटी चीज़ नहीं श्रवण कर रहे हो, बस ये है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर थोड़ी कम हो जाती है, ये बात है।